पायल जी मुझसे कुछ बोल रही हैं, उनका भी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर, किस तरह से अपने कुछ कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है? क्या उस तरीके से हमारी इस जन्म की अधूरी इच्छा भी अगले जन्म में पूरी हो सकती है क्या? देखिए, अधूरी इच्छा आपकी नहीं होती है, ये बॉलीवुड फिल्मों में बना दिया है। अधूरी इच्छा जब भी आप इस शरीर में रहते हो तो ये आपके भौतिक मन की रहती है। आपका भौतिक मन टेस्ट करेगा दूसरी दूसरी चीजों को, या कहो कि दूसरे आप डेस्टिनेशन में घूमने जाना चाहते हो, एक अच्छा कर, जो भी ये सारी चीजें, जो इच्छाएं बनती हैं, जो वासनाएं बनती हैं, आपका भौतिक मन तक सीमित रहती है। आपकी आत्मा को तो हमेशा पता रहता है कि आपका क्या टारगेट है, लेकिन आपका भौतिक मन को, क्या जो यहाँ पे शरीर के माध्यम से मिलता है, वो भौतिक मन आपको विचलित करता है कि हमारे ये इच्छाएं रहेंगी, ये वासनाएं रहेंगी, ये सारी चीजें रहेंगी। तो आपकी परीक्षा ही ये है एक्चुअली। अब जब आप इन सारी दोनों चीजों में डिफरेंस पैदा करने लगोगे तो आप अपने अवचेतन मन की सुनना स्टार्ट कर दोगे, और जिस दिन आपने अवचेतन मन की इच्छा पर कब्जा कर लिया या उनकी बातों को सुनना स्टार्ट कर लिया, अवचेतन मन की बात मैं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, उसी दिन आपकी ये सारी चीजें जो चल रही थी वो सब खत्म हो जाएंगी कि क्या इच्छाएं होती हैं, कैसे होती हैं। और जिस दिन आपका अवचेतन मन जागृत हो गया उसी दिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो, आपका जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासना हैं, उनसे मोह भंग हो जाएगा, फिर आपके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती कि कौन सी इच्छाएं थी, कैसी थी, कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से रियलाइज कर सकते हो। तो आई गेस कि आपको भी आपका आंसर मिल जाएगा इसमें। अगर स्टिल आप कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो आप फिर से मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं, और भी कमेंट मेरे पास में आ रहे हैं, मैं उनका भी लेता हूँ।